इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ सीएम की बैठक हो रही है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक चल रही है। सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, जो घोषणाएं सीएम के द्वारा की गई थी उनकी प्रगति कहां तक पहुंची है, घोषणाओं को कहां तक पूरा किया गया है, इस बाबत समीक्षा ली जा रही है। सीएम मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हरियाणा सचिवालय में ये बैठक चल रही है। प्रशासनिक सचिवों के साथ ये बैठक कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है कि जो घोषणाएं सरकार ने कर रखी हैं, जिनको अमल में लाना है, जिन पर काम हो रहा है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो फिलहाल मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो जो कुछ वादे किए गए थे, जिन पर काम चल रहा है, जिनको अमल में लाया गया है, आखिरकार उनकी समीक्षा क्या है, आखिरकार प्रगति क्या है, प्रोग्रेस क्या हो रही है उन योजनाओं पर, इसके लिए विचार मंथन किया जा रहा है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के बेलगावी, जहां से अमित शाह इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत सर्व करो सर्व करो, भ्रष्टाचार को किसी की जाति के साथ संप्रदाय के साथ जोड़ते, किस प्रकार की बातें कर रहे मित्रों। उन्होंने हमेशा विधायकों का अपमान करने का काम किया है। इंदिरा जी ने विजयप्पा का अपमान किया और राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल, तबियत ठीक नहीं थी फिर भी उनको अपने पद से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने येदुरप्पा जी और बसवराज जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमेशा सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अभी कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड में था। अब मैं इनको पूछना चाहता हूं, आपने पांच गारंटी यही पांच गारंटी हां गुजरात में बांटी, सुप्रा साफ हो गया, यूपी में बांटी, सुप्रा साफ हो गया, उत्तर प्रदेश में बांटी, सुप्रा साफ हो गया, त्रिपुरा में बांटी, सुप्रा साफ हो गया, मणिपुर में बांटी, सुप्रा साफ हो गया, नागालैंड में भी यही बात गारंटी थी, सुप्रा साफ हो गया। राहुल बाबा, आपकी गारंटी को कोई नहीं मानता, जिनकी इज्जत न हो इनकी गारंटी को कोई नहीं मानता है। आपको मैं परोठा दिलाने आया हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए, विकास, सुरक्षा और पीने के पानी और पीने के पानी की एक ही गारंटी है, श्री नरेंद्र मोदी गारंटी है। नरेंद्र मोदी ने करोड़ों गरीबों के घर में गैस, बिजली, शौचालय, घर, 5 लाख तक का बीमा और मुफ्त में अनाज पहुंचाया, वो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष विशेला साहब माता वो भाई हो गए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे अपशब्द बोलना वो कांग्रेस का लेवल बताता है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने उनका लेवल बता देना चाहिए कि आपकी जगह कहां है। और इस चुनाव में मुझे भरोसा है कर्नाटक की जनता ये करेगी। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर भाजपा सरकार बनी तो 3 LPG सिलेंडर सभी बीपीएल परिवार को गणेश चतुर्थी, युगादि और दीपावली के वक्त में एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया है। 10 लाख घर बनाकर सर्वरी को शुरू योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और SC ST परिवारों की महिलाओं को 10,000 का FD भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, इस कर्नाटक के लिए हमने
चित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाया, बेलगावी चित्तूर धारवाड रेल योजना 150 करोड़ की हमने चालू की, बागलकोट फुलासी रेलवे लाइन 210 करोड़ की चालू की, खर्ची दोनी लोकापुर खंड के लिए 140 करोड़ रुपया रेलवे के लिए दिया और चित्तूर क्षेत्र के लिए 5,701 करोड़ की 13 सिंचाई योजनाएं तालाब भरने की भारतीय जनता पार्टी की शुरू। इसके साथ साथ अम्बाजेश्वरी सिंचाई परियोजना 1400 करोड़, चन्नम भूषण लिफ्ट इरिगेशन योजना 520 करोड़, सत्ती देवी सिंचाई योजना 546 करोड़ और बेलगावी में 130 करोड़ से कैंसर अस्पताल नवाब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर दिया है और बेलगावी में 2500 करोड़ का निवेश करकर औद्योगिक विकास कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं भाइयों बहनों, कर्नाटक का विकास, देश की सुरक्षा और देश का आर्थिक विकास तीनों अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। येदियुरप्पा जी और बसवराज के नेतृत्व में हमने कर्तव्य उठाया है और आगे पर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी ये डबल एंजिन सरकार एक कर्तव्य दिखाए। मुझे बताओ, हमारी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? एक अपील करना चाहता हूं, कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ पकड़ो तो भाई, है ना सबके पास मोबाइल है ना? ये सभा समाप्त होने के बाद कर्नाटक में जहां पर भी आपके दोस्त परिवारजन भाई भाभी माता पिता दादा दादी फूफी फूफा जो रहते हैं 15 लोगों को फोन करना है, कमल पर बटन दबाना है, करोगे क्या? सभी लोग 15-15 फोन करेंगे, पक्का करेंगे? तो आप सभी को मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए और उत्तर कर्नाटक के विकास को सुनिश्चित करिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब एक बार जोर से और बोलेगा, बोले जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साफ तौर पर अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने लगातार कांग्रेस को एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता तमाम बातें कहते नजर आए हैं। आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। इसी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बीजेपी ने PFI पर बैन लगाया, ये अमित शाह ने कहा है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, तो फिलहाल PFI और बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर निशाना साधा गया है गृहमंत्री के द्वारा। इधर हरियाणा के मंडी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशा माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 139 लोगों को गिरफ्तार किया है। NDPS के तहत 111 मामले दर्ज हुए हैं। तस्करों की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है। 1,29,000 अफीम के पौधे भी नष्ट किए गए हैं। आपको बता दें, लगभग 44 किलो चरस भी इस बीच बरामद किया गया। तो NDPS के तहत 111 मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा के मंडी में पुलिस ने एक बड़ी खेप जब्त की है। इसी के साथ साथ तस्करों से 1 करोड़ की चरस को बरामद किया, 44 किलो की ये चरस बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
पुलिस ने 139 लोगों को गिरफ्तार किया।